एक्शन। मुझे यहाँ से ले चलो कुछ, दुनिया में नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ जाना चाहती, सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने ही तो आया हूँ, हमेशा के लिए, मगर उससे पहले तुम्हें जी भर के देख तो लूं, तुम्हें रंग तो लूं, तुम्हें छू तो लूं। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, हटो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे वैनिटी में बंद किसने किया? Want an answer now? आप वैनिटी में बंद थे? तो फिर ये कौन था? काट! मैं तुम्हें यहां से ले जाने ही तो आया हूं, हमेशा के लिए। एक फिल्म के सेट पर इतनी बड़ी यूनिट की आंखों में धूल झोंकते हुए एक अजनबी का फिल्म की हीरोइन के साथ बदतमीजी कर, फिल्म के हीरो को उसी की वैन में बंद कर देना। और मुझे पेनल्टी में बंद किसने किया? होली के सीन का फायदा उठाते हुए खुद को इस तरह से रंग लेना कि कोई उसे पहचान ही ना सके, ये सब उसके शातिर दिमाग का सबूत था। लेकिन इसके पीछे उस शख्स का मकसद क्या था? कौन था ये शख्स? इस हीरोइन से उसका क्या रिश्ता था? क्या ये किसी का छिछोरा मजाक था, या फिर कोई ऐसा शख्स जो इस हीरोइन को जुनून की हद तक चाहता था? इस रहस्य को जानने के लिए हमें जाननी होगी इस हीरोइन यानी सरगम सेठी की जिंदगी। क्या हुआ? तुम्हारे वो मुंबई वाले कास्टिंग डायरेक्टर का फोन नहीं आया? 10 दिन हो गए। आएगा, उसे मेरी एक्टिंग तो बहुत पसंद है। एक्टिंग या फिर सारे मर्द एक से ही होते हैं। अगर इतने ही पोजेसिव हो रहे हैं, तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी शादी वाली बात कहां से आ गई? मैं कितनी बार कहा है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, तैयार नहीं, पर तुम फिर भी। अब क्या हुआ, कहां जा रही हो? रिहर्सल के लिए देर हो रही है, पापा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। तुम्हें तो पता है ना कि पापा रिहर्सल की टाइमिंग्स को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं। थिएटर उनकी जान है, वो पूजा करते हैं थिएटर की, और कोई भी देर से आए तो उसे माफ नहीं करते, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। बाद में मिलती हूं। पर सरगम, नमस्ते। नमस्ते। कितने रिहर्सल करोगे? हम ले तैयार हो गया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आलोक जी, हाँ हाँ जरूर जी जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किसका फोन था? वो आलोक जी का। कौन आलोक? वो मुंबई के कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। मैं तुम्हें मुंबई नहीं जाने दूंगा। तो फिर शादी कर लो मुझसे। फिर घूम फिर के तुम्हारी सुई वहीं क्यों अटक जाती? तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं रवि? मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरे माँ बाप भी। मम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी थिएटर को समर्पित कर दी, मुझ पर उनकी जिम्मेदारी है। अब वो बूढ़े हो रहे हैं, मुझे कुछ करना है ना, मुझे जाना होगा। कुछ भी करोगी पर मुंबई नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। क्या कहा? रवि हर्टिंग मी, रवि दर्द हो रहा है। फिल्म है जी। अच्छा तो नहीं लग रहा कि तू जा रही है बेटा?
लेकिन बच्चे अपने माँ बाप की गलतियों से ही सीखते हैं। हम तो कभी थिएटर से निकल ही नहीं पाए, शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हमारी बेटी ऐसी गलती नहीं करेगी। जा बेटा जा, खुश रहे, खूब तरक्की कर बेटा। खुश रहे बेटा। सरगम का मुंबई आने का सपना पूरा हो गया था। अब उसके सामने एक नई दुनिया थी, एक नया भविष्य था। लेकिन उसका अतीत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। चंडीगढ़ में बैठा रवि ना तो अब तक सरगम के फैसले को स्वीकार कर पाया था और ना ही सरगम को भूल पाया था। वो लगातार फोन करके सरगम को परेशान कर रहा था। लेकिन सरगम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी और अब वो अपने अतीत को भूलकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही थी। आलोक इस इंडस्ट्री को बेहद करीब और गहराई से जानता था और उसकी सहायता से सरगम का हर कदम बिल्कुल सही पड़ रहा था। एक के बाद एक हिट फिल्में बरसने लगी और आलोक एक से एक बड़े बैनर की फिल्में सरगम की झोली में डालता गया। सरगम, पहले ही हफ्ते में 30 करोड़। लेकिन इस फिल्म को तो 3 स्टार्स भी नहीं मिले। अरे मैडम, स्टार्स को स्टार्स की परवाह नहीं होनी चाहिए। नहीं आलोक जी, मैं ऐसा नहीं मानती। ओके, एक बड़े बैनर के साथ बातचीत चल रही है, बिग बजट एक्शन मूवी बना रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं जानती हूँ ऐसे बिग बजट एक्शन मूवीज में मेरे लिए किस तरह के रोल्स होंगे। मैं ऐसी फिल्में नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती हूँ? तो क्या करना चाहती हो? मैं कुछ मीनिंगफुल रोल्स करना चाहती हूँ। मैं नाच नाच कर थक गई, अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास ये जो दौलत शोहरत जो कुछ भी है ना, सब उन्हीं फिल्मों की वजह से है, बिग बैनर फिल्मों की वजह से है। पैसे तो इसी में है। जानती हूँ, इसीलिए फैसला लिया। जब मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकूं, तो अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। मन की शांति, मन को बहलाने के लिए मैं हूं ना। तीन गाड़ियां आगे, तीन गाड़ियां पीछे, धमाके के साथ उड़ती है। डूम, कट्टू देखते हैं सुमित खान मैडम को बाहों में लेकर आ रहा है। अरे वाह, ये तो एकदम पोस्टर वाला सीन हो गया। नहीं, अच्छा अच्छा, गुड 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 स्टोरी। अच्छा फिर क्या होता है उसमें? फिर उसके बाद वो आ रहा है। प्रॉब्लम क्या? बाद में बात करो। बाद में तो मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम, क्या करे? जी कभी सोचा था कि आपके साथ पिक्चर बनाऊंगा? वो पिक्चर तो बना नहीं पाया, तो सोचा कि ये पिक्चर ही सही। नॉट बैड जी, शुक्रिया। करते क्या अब तक, क्या किया जी? दो फिल्में बनाई,
ऐसी फिल्मों को अक्सर अखबारों में तो जगह मिल जाती है मगर उन्हें देखने कोई नहीं चाहता। तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है? जी सरगम, चलो यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो इसमें, छोड़ो। मेरे पास आपके लिए एक स्क्रिप्ट है। आप इसे पढ़िए, ये आपको पसंद जरूर आएगी। इसमें मेरा फोन नंबर लिखा है, उस पर आप मुझे रिवर्ट बैक करके बता सकती हैं। चलो आलोक। कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है तो ये स्क्रिप्ट आपको और भी पसंद आएगी। सरगम जी, रिहर्सल करेंगे या टेक? टेक। लेट्स टेक। साइलेंस ऑन द फ्लोर। और इस तरफ कैमरा रोलिंग। रोलिंग। तीन वन शॉट वन टेक वन एक्शन। बाबूजी प्लीज, मेरे गलती की सजा शेखर को मत दीजिए। मैं मानती हूँ कि हमारा रास्ता गलत था लेकिन हमारा प्यार सच्चा है बाबूजी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक बात याद रखिएगा बाबूजी, अगर आपने शेखर को कुछ किया ना तो आप अपनी बेटी का भी मरा मुंह देखेंगे। सर, इन खत्म हो गया सर। अपनी इंटेंसिटी बहुत कम देखने को मिलती है। कट! ब्रिलियंट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस सरगम जी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कम। मैम, आप कुछ लेंगे? थैंक यू। सरगम जी, मुझे पता नहीं मुझसे पहले आपसे बात किसी ने कही एक है। बात याद रखिएगा, बट यू आर अ बॉन्ड। अगर अपने शेखर को कुछ किया ना तो आप अपनी बेटी का भी मरा मुंह देखेंगे। इंडस्ट्री में आपके जैसी एक्ट्रेसेस की बहुत कमी है, जो सिर्फ नाचने गाने से एक्टर नहीं बनते। आप भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। आपको पता है जब मैंने आपके साथ ये फिल्म करना शुरू की तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि मैं दो फ्लॉप फिल्म देने के साथ आपके साथ स्टार पावर की वजह से जुड़ा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि इस फिल्म को आप एक बार रिलीज हो जाने दीजिए, लोग आपके काम को स्पेशली पसंद करेंगे और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट होगी और तब देखिएगा और उनके शब्द उन्हीं के मुंह में वापस ठूस दूंगा। मैम, फोटोग्राफ प्लीज, प्लीज। मैम, मैम प्लीज, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इश्क ऐसा करो कि धड़कन में बस जाए, सांस भी ले तो खुशबू उसी की है। दूर ही सही मगर तुझसे प्यार तो है, तेरे इनकार के बाद इंतजार तो। मैं तुमसे प्यार करता हूं सरगम, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं। क्या हुआ? कुछ नवाज का भरोसा गलत साबित नहीं हुआ। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने पब्लिक का दिल तो जीता ही, साथ ही साथ क्रिटिक्स को भी बहुत प्रभावित किया। सरगम के अभिनय की भी जमकर तारीफ हुई। 5 स्टार। मुंह फेरने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी और सारे मल्टीप्लेक्सेस में भी अच्छा बिजनेस कर रही है फिल्म। हाँ तो
नवाज ने अपनी अगली फिल्म ऑफर की है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो फिल्म करूंगी। सुमेद खान की नई फिल्म की ऑफर है, मैंने हाँ कर दी। तुम चुपचाप ये पेपर साइन करो, सुमेद खान के साथ अगली फिल्म कर रही हो तुम, ये लो। ऐसे कैसे साइन कर दूं? मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं है। इससे पहले कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ती थी जो अब पढ़ोगी? पहले की बात और थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसी फिल्में नहीं करूंगी। तुमने फैसला किया है? तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? तुम्हारी जिंदगी के फैसले सिर्फ मैं लेता हूँ, सिर्फ मैं। लेते थे आलोक, लेकिन अब नहीं। यही वजह थी कि मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी, लेकिन आज से नहीं। शायद तुम भूल गई हो, मैं तुम्हें यहां लेके आया हूं। मैंने तुम्हारी लाइफ बनाई, तुम्हें स्टार बनाया, क्या था मेरा एहसान मानती हो, तुमसे शादी करोगी, लेकिन नहीं, तुम तो बस अपने सपनों में। शादी करूंगी, एहसान मानती हूं, आज भी एहसान मानती हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे शादी कर लूंगी। ऐसा तुमने सोचा भी कैसे आलोक? तुम जा सकते हो। तो ये बदला दिया है तुमने मेरे एहसानों का। एक बात याद रख लेना, अगर आलोक तुम्हें बना सकता है तो तुम्हें मिटा भी सकता है। तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। तुम खुद अपने घुटनों पे चल के मेरे पास आओ। बाय। ये आपने बहुत सही किया सर। आज के मार्केट में बिग बजट फिल्म्स में हीरोइन सिर्फ एक आइटम नंबर बनकर रह गई। मुझे बेहद खुशी है कि आपने ग्लैमर और पैसे के ऊपर टैलेंट और पैशन को चुना। सिनेमा मेरा पैशन है और मुझ जैसे पैशनेट डायरेक्टर को आप जैसी पैशनेट और टैलेंटेड एक्टर मिल जाए बस फिर कैसे। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए नवाज, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पसंद की फिल्म करने की हिम्मत मिली। मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट मिल गया, आपके साथ। Really? क्या? It's classic. साहेब बीवी और गुलाम, पर इंटरप्रिटेशन मेरा होगा। Great. Cheers. जी सरगम, आप जो कोई भी हो मैडम घर पे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। अरे कहाँ चले यार, मैंने कहा ना मैडम के अंदर हम क्यों अंदर नहीं जा सकते। अरे आप जाओ यहाँ से। अरे मैं सरगम का करीबी दोस्त हूँ। अरे कोई भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है, आप जाओ यहाँ से। तो ये हाथ क्या लगा, हाथ नीचे करो। सरगम तुम जैसे चलो जाओ, बहुत देखे तुम जैसे। मैम शॉर्ट रेटिंग। हेलो, हाँ क्या छह, एक मिनट मैडम से बात करूँ। मैडम बहुत अर्जेंट है मैम। हेलो। हाँ मैडम, एक आदमी आया था जो अपने आप को आपका मित्र बता रहा था और दोस्ती घर में घुसा आ रहा था, मैंने उसे भगा दिया। मेरा कौन सा दोस्त? खैर तुमने बिल्कुल ठीक किया, बिना मुझसे पूछे ना किसी को भी घर में मत आने देना, ठीक है? शॉट ले, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? घर से फोन आया था, कोई खुद को मेरा बहुत ही करीबी दोस्त बताकर जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ओ, घबराने की कोई बात नहीं, घर में नौकर चाकर है ना? हाँ वो तो है। स्टार्स के साथ ऐसा अक्सर होता ही रहता है, भूल जाए, शॉट लेते हैं। साइलेंस, एक्शन। सर
एजी, एक बार मेरी तरफ देखिए, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? एक बार मुझे अपनी आंखों में भरकर देखिए, बस एक बार। सरगम जी, एक्सीलेंट शॉट, एक्सीलेंट शॉट। इवन मुझे मॉनिटर तक देखने की जरूरत नहीं है। बैकअप। अरे मेरा सपना साकार होने की राह पर है। वांट टू जॉइन मी फॉर अ सेलिब्रेशन? मेरे रूम में कॉल्स फॉर अ शैंपेन। ओह माय गॉड। ओके, दिस इज फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन? पूरी वैनिटी वैन ने सेलिब्रेट किया है, इंक्लूडिंग माय ड्रेस। सरगम जी, रियली आई एम वेरी हैप्पी। इस मोहरत शॉट से ही क्लियर है कि फिल्म हमारी एकदम सुपरहिट है। चलो नवाज, मैं चलती हूँ, तुमसे कल मिलूंगी। हाँ सरगम जी, इतना जल्दी? इवन मैंने अभी आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा। इट्स ओके सरगम जी, यू आर माय इंस्पिरेशन, you are my muse. Sargam ji, thank you very much. Sargam, thanks to you, Sargam ji, aapne usi pe project liye ho. Thanks a lot Sargam, I swear Sargam, nahi hota ye project. Thanks for this project. Listen, no, listen, listen, inspiration apni jagah hai, muse apni jagah hai, lekin agar hum dost rahe to zyada acha hoga. See you tomorrow. हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की, ये फिल्म मेरी बाकी फिल्मों से बहुत हटकर, इसलिए मैं नर्वस हूँ कि पता नहीं लोगों को मेरा काम पसंद आएगा कि नहीं। आई रियली होप पसंद आए। मैम एक पर्सनल सवाल। हाँ पूछिए। आप उन बहुत कम हीरोइंस में से हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो अभी तक सिंगल हैं, और किसी के साथ आपके लिंकअप की कोई खबरें भी नहीं आ रही हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है या आप गलती निकाल रही हैं? खैर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं? Well, मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो केयरिंग हो, जो तुम्हारी सांसों में अपनी सांसों को भर दे, जो तुम्हें हाथ लगाए तो तुम पिघल जाओ, जिसकी बाहों में आकर तुम्हारा वजूद सिमट जाए, मेरे जैसा तुम्हारा दीवाना। बहुत जल्द तुम मेरे सामने होगी और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। और मुझे प्यार करने पर मजबूर कर दे। सरगम जी, एक लास्ट सवाल। दैट्स इट, थैंक यू। वैसे भी शाम को अवार्ड फंक्शन में आप सबसे मुलाकात होगी, तो शाम को मिलते हैं। थैंक यू। हाय नवाज, आज हम अवार्ड फंक्शन में मिल रहे हैं ना? एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीड रोल गोज टू सरगम। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं आप सबके सामने ये अवार्ड लेकर खड़ी हूँ। इसे कहते हैं ड्रीम कम। मैं ये अवार्ड हर उस इंसान को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ है मेरे माँ और पापा जी। क्यों क्यों दुनिया की बातें करती हो, गैरों की बातें करती हो? सिर्फ मेरी बात करो, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तुम्हें पता है, जब तक तुम अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती ना, तुम अच्छी नहीं लगती। राजू,
अभी जाता हूँ मैडम, ज़्यादा लेट हो गया। इस वाकये से सरगम बेहद घबरा गई। एक अनजान व्यक्ति ने उसकी मांग भरने की जुर्रत की और ये शख्स लगातार साय की तरह सरगम का पीछा कर रहा था और सरगम के करीब बने रहने की कोशिश में वो अपनी सारी हदें पार कर चुका था। जरा सोचिए, अगर आपके साथ कोई इस तरह की हरकत करता तो आप किस तरह रिएक्ट करते? सरगम घबरा जरूर गई थी लेकिन उसने होशो हवास नहीं खोया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने बिल्कुल सही कदम उठाया और पुलिस को इन सारी घटनाओं की जानकारी दी। याद रखिए, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई हादसा हो तो सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट करें। पुलिस ने शिकायत लिख ली और तफ्तीश शुरू कर दी। नवाज और यूनिट के बाकी लोग भी फौरन सरगम की मदद के लिए पहुंच गए। सरगम को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया लेकिन क्या खतरा टल चुका था या अब भी मंडरा रहा था? रघु, 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 डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डरो मत, डरो मत। क्या हुआ मैम साहब, आपको क्या हुआ? दोनों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए? ले लिए साहब। चलते हैं, चलो हवलदार। जी, आप हिम्मत रखिए, किसी पागल की वजह से आप खुद को इस तरह से सजा नहीं दे सकती। प्लीज, वो तो यही चाहता है ना। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अभी हमें हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है। पुलिस से बात कर ली है मैंने,
24 घंटे आपके घर पे बॉडीगार्ड्स का पहरा रहेगा। डरने की चिंता की कोई बात नहीं। ए, क्या है? सरगम से मिल रहा है। ऐसे नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस पे आना। अरे भाई वो अच्छे से जानती है। अभी नहीं मिल सकते। अरे दो मिनट बाद अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस सरगम पे। बता रहा हूँ प्लीज। माँ। हेलो। हाँ माँ। तुम्हारे पापा की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? माँ मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि आप लोग यहाँ मेरे पास आ जाइए, आप लोग सुनते ही नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं इंतजाम करा रही हूँ और आप लोग यहाँ आ रहे हैं बस। क्या हुआ? सब खैरियत? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ का फोन आया था, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। नवाज, हमें पापा को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। मैं बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम इत्मीनान रखो, तुम अपना ख्याल रखो। यू बी अलर्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सरगम छोड़ो यार। कड़ी सिक्योरिटी और पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद सरगम के दिल से डर नहीं निकल पा रहा था। वो हर वक्त डरी सहमी रहती, हर आहट पर उसे लगता जैसे वो शख्स उसके पीछे ही खड़ा है। यहां तक कि दो घड़ी चैन से सोना भी मुहाल हो गया था सरगम के लिए। बिना मेरे ख्यालों के तुम जहां हो मैं वहां हूं। फिक्र मत करो, तुम मेरी सांसों में हो और मैं तुम्हारी धड़कन में। यही तो चाहता था मैं कि तुम इस कदर घबरा जाओ। अब मैं तुम्हें इस फिल्मी दुनिया से दूर ले जाऊंगा, अपनी दुनिया में बहुत जल्द। इसे अपने पास रखो। अब देखता हूं तुम्हें कैसे तंग करता है। किस सर? हाँ राज, अमर से कह के खाना ही लगवा दो। किस सर? हाँ हाँ, लाइटिंग रेडी है तो शॉट। ओके लेट मी कम, मैं आ रहा हूं। चलो मैं लेता हूं शॉट। ओके ओके सरगम जी, शॉट रेडी है, मैं जरा देख के आता हूं। मैम ये लॉक शीट बाहर रख दो और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना।
क्या है? मैंने तुमसे बाहर से दरवाजा बंद करने को कहा था ना, तुमने अंदर से क्यों बंद किया? मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। दूर रहो। डरिए मत मैम, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं गोली मार दूंगी तुमको। मैम देखिए आप डरिए मत मैम, मैं गोली मार दूंगी। मैम मेरी बात सुन लीजिए मैम, मेरी बात सुन लीजिए मैम, मैं गोली मार दूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ सरगम जी? कौन आया था? कौन वो सरगम जी? कौन? सरगम का खौफ अपने चरम पर था। उसे लगने लगा था कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है और उसने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया। सरगम फियर साइकोसिस की शिकार हो रही थी, एक ऐसी मनस्थिति जिसमें इंसान के अंदर बसा डर वास्तविकता बनकर उसके सामने आने लगता है। इंसान का कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाता है और वो दुनिया से कटाकटा रहने लगता है। सरगम के व्यवहार में भी ऐसे बदलाव आ रहे थे। इस अनसुलझे रहस्य की वजह से एक उभरती हुई अभिनेत्री की सफलता जैसे ठहर सी गई थी। कैसी हैं आप सरगम जी? I'm sorry नवाज, मेरी वजह से तुम्हारी फिल्म भी रुक गई। सरगम जी फिल्में बनती रुकती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, शूटिंग अभी और भी रुक सकती है। हाँ तैयार नहीं हुए आप अभी तक, ऐसे ही बैठे हुए हैं। चैरिटी इवेंट में जाना है छोटे बच्चों का। प्लीज नवाज मेरा बिल्कुल भी। अरे यार सरगम जी अब आप ये सब मत करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, चैरिटी इवेंट है, इतने प्यारे बच्चे, उन्हें ये सब नहीं पता ना कि ये क्या लाइफ में चल रहा है। और चलो उठो, आपका भी मन बहलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये घर में तकिया वकिया लेके पोज मार के बैठोगी, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। इसको उधर रखो, तुम उठो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तैयार मिलना। घायल तो बहुत पहले ही कर चुकी हो, अब क्या जान ले लोगी? क्यों ऐसी सजा दे रही हो अपने आप को? एक बार में हाँ कह के मेरी क्यों नहीं हो जाती तुम? आप लोग आ गए, मुझे आप लोग की बहुत याद आ रही थी। ठीक है बच्चा। हाँ आइए, आप लोग चले। मैं हेलो मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर मैम को कॉल आया। ये तो सरगम मैम के घर के पास के किसी फोन बूथ का नंबर है। कुछ देर पहले इसी पीसो से कोई फोन आया था, बता सकते हो कुछ उसके बारे में? जी सर एक बंदा तो आया था सर, कुछ 25-26 साल का होगा, अचानक से फोन रखा और भाग गया। एक्शन।
मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने ही तो आया हूँ, हमेशा के लिए। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, हटो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे वैनिटी में बंद किसने किया? क्या हो गया डॉक्टर? बेचारी बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, उसे अब मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक के बाद एक खतरनाक से खतरनाक हादसे सरगम के साथ होते चले गए, जिनसे उसके मन मस्तिष्क को गहरी चोट पहुंची। लेकिन सेट पर हुए इस हादसे के बाद सरगम की सहन शक्ति जवाब दे गई, वो टूट कर बिखर चुकी थी। माता पिता की रजामंदी से डॉक्टर ने सरगम को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। फिल्मी दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा एक बेदर्द जुनूनी दीवाने की वजह से आज मानसिक रोगियों के बीच खड़ा था। ये क्या हालत बना लिया तुमने? तुम्हें यहां नहीं, मेरे पास होना चाहिए था, मेरे साथ होना चाहिए था। तुम्हारी इस मांग में मेरा सिंदूर होना चाहिए था। ये क्या कर लिया तुमने? क्या हालत बना रखी है तुमने? ये तुम्हारा अब तक का शानदार परफॉर्मेंस रहा है सर। लेकिन आपको नवाज पे शक कब हुआ? उसी दिन जब राज मुझे मिला। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और उसने बताया कि डायरेक्टर साहब का अपनी हर हीरोइन के साथ अजीब सा रिश्ता रहा है। उसने ना सिर्फ हमें सरगम की तस्वीरें दिखाई बल्कि दूसरी हीरोइंस की भी पेपर कटिंग्स दिखाई। डायरेक्टर साहब को अपनी हर हीरोइन से प्यार हो जाता है, और वो भी एक जुनून के हद तक। और वो जुनून तब तक कम नहीं होता जब तक वो उसे हासिल ना कर ले, और अगर कोई मना कर देता है तो तब तक ये डायरेक्टर साहब उसका पीछा करते हैं जब तक वो टूट के बिखर नहीं जाती। क्योंकि नवाज को ना पसंद नहीं है, इसलिए हमने तय किया एक ऐसा नाटक खेला जाए जिससे डायरेक्टर साहब को यकीन हो जाएगा कि सरगम टूट चुकी है, बिखर चुकी है, और खुद ब खुद डायरेक्टर साहब हमारे बिछाए जाल में आकर फंस जाएंगे। और वही हुआ। रुपहले पर्दे की दुनिया, उसकी दौलत, शोहरत, चकाचौंध, ये सब एक फिल्म स्टार के पुरस्कार हैं, लेकिन इस दुनिया का एक स्याह पहलू भी है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिल्म स्टार्स को अक्सर इस तरह के दीवाने फैंस या स्टॉकर्स का सामना करना पड़ता है, और ऐसे ही एक शख्स ने फिल्म स्टार सरगम की जिंदगी जीते जागते नर्क में तब्दील कर दी। और ये स्टॉकर कभी पहचाना भी नहीं जाता अगर उस प्रोडक्शन कंट्रोलर ने सरगम के पिताजी को नवाज की हकीकत ना बताई होती और सरगम ने उसका सामना करने की हिम्मत ना जुटाई होती। सरगम की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने और उसके शारीरिक शोषण के लिए नवाज को IPC के सेक्शन 354 और 354A और अभद्र भाषा और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के लिए सेक्शन 509 के तहत 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। आज आपको हमने दिखाई मुंबई की एक आपराधिक घटना। तो देखते रहें सावधान इंडिया, जिसमें हम उजागर करेंगे देश के कोने कोने में घटी अपराध की सच्ची घटनाओं को, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी। देखते रहें सावधान इंडिया। इंडिया फाइट्स बैक।